वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 11 जनवरी को देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज का लाइक एम 3000 है, हम उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पूरा करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, ओडिशा तटवर्ती राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीते 3 दिनों से बारिश की गतिविधियां जारी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी है। आईएमडी के मुताबिक नजीबाबाद, चांदपुर, बिजनौर, सियाना, गढ़मुक्तेश्वर और आसपास के हिस्सों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी हिस्से में बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी। इस वजह से सोमवार से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर संभागों के जिलों में रात के तापमान में गिरावट होना शुरू हो गई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा संभागों के जिलों में सोमवार से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, चंबल और रीवा के संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। भोपाल सहित प्रदेश के न्यूनतम तापमानों में गिरावट दर्ज की गई। और अब जाने बिहार और झारखंड का मौसम। पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ अगले 2 दिनों में सक्रिय होने के आसार है। इसका प्रभाव बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में बिजली चमकने, ओला गिरने और बारिश का पूर्वानुमान है। 11 जनवरी को दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग में 1 या 2 स्थानों पर ओले गिरने और बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार की स्थिति 13 जनवरी तक बने रहने के आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब जाने राजस्थान का हाल। पिछले कई दिनों में हुई बारिश के बाद राजस्थान एक बार फिर कड़ाके की सर्दी की जद में है, जहां बीती रात सीकर और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अनेक हिस्से आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरे की चपेट में होंगे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते इस सप्ताह में राज्य की राजधानी जयपुर सहित लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और नागौर आदि जिलों में शीतलहर चलने एवं कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। और अब ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। खासकर प्रदेश के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर व महासमुंद और उससे लगे जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बदले मौसम के बीच अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कई लोग सर्दी, खांसी और बुखार आदि से ग्रसित नजर आए। और अब चले ओडिशा की ओर। ओडिशा में 11 और 12 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता हूँ, यहाँ आगामी 11 जनवरी को ओलावृष्टि होगी। वहीं आईएमडी के ऑरेंज अलर्ट में बेहद खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के बंद होने और बिजली आपूर्ति में रुकावट जैसे व्यवधानों की भी बड़ी संभावना है। आईएमडी के अनुसार भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि ओडिशा के जिलों में 11 से 14 जनवरी के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने मंगलवार को 7 जिलों बरगढ़, बोलांगीर, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगड़ा, सुंदरगढ़ और देवगढ़ में गरज और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। कालाहांडी, कंधमाल, बोध, अंगुल, ढेंकनाल, कटक और नयागढ़ जिलों में बुधवार को आंधी और बारिश हो सकती है। और अंत में पश्चिम बंगाल का मौसम। पश्चिम बंगाल के लिए 11 जनवरी से 13 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट कई दिनों में फैले गंभीर रूप से खराब मौसम का संकेत देती है। इस अलर्ट के अनुसार मौसम और भी खराब हो सकती है, सामान्य गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें।